रूट फाइव, वन प्लस रूट टू, इन सबको मैं इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तथास्तु वत्स। तो दोस्तों, क्या आपके भी साथ होती है यही सेम प्रॉब्लम? सो डोंट वरी, डरने की क्या बात जब एक ऐसी आपके साथ। आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना यूं चुटकियों में सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशुल एंड यू आर वॉचिंग योर्स एंड ओनली योर्स प्यारा सा चैनल लेगेसी लर्निंग स्पॉट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर जो लेमा यूज़ होने वाली है। अरे अरे, अगर आपको लेमा का मतलब नहीं पता है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे इस आई बटन को प्रेस करके मेरी लेमा पे एक सेपरेट वीडियो देख कर समझ सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे लेमा हमसे क्या कहती है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। यानी कि बहुत ही सिंपल लेमा है, अगर कोई प्राइम नंबर पी किसी पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर पी उस पॉजिटिव इंटीजर ए को भी डिवाइड ज़रूर करेगा। और यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं प्रूविंग के लिए, उसका नाम है आर्बिट्रेरी मेथड। अरे आर्बिट्रेरी का मतलब नहीं पता? सुनो, आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाना मेथड। यानी कि हम एक अजम्पशन रखेंगे अपना और हम बाद में उसी को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रूव रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमें यहाँ पे इस रूट एक्स को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी मेथड का यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। देखते हैं इसका प्रूफ। सो लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं दैट रूट एक्स इज ए रेशनल नंबर। आपको जो भी नंबर दिया रहेगा रूट में, आप सबसे पहले उसको रेशनल मान लेंगे। देन आप एक रेशनल नंबर को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में तो दिखाई सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन फाइंड टू को प्राइम्स ए एंड बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट रूट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने दिखा दिया। देन बी इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू ए, देन बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है तो हमें ये मिला। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है दिस शोज दैट एक्स एक फैक्टर है ए स्क्वायर का, एक्स एक फैक्टर है ए स्क्वायर का। यानी कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स बाय दैट लेमा। तो हमें मिली पहली इक्वेशन कि अगर एक्स ए स्क्वायर का फैक्टर है तो एक्स ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, यानी ए एक्स से डिविजिबल है। तो हम सपोज कर सकते हैं ए को एक्स के टर्म्स में, दैट इज ए इक्वल टू एक्स इंटू सी फॉर सम इंटीजर सी। अब हम इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, आफ्टर दैट हमें ये मिलेगा बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स सी का होल स्क्वायर, देन बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है दिस शोज दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, यानी एक्स बी स्क्वायर का भी फैक्टर है, यानी कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एक्स। जब भाई एक्स बी स्क्वायर का फैक्टर है तो एक्स बी का भी फैक्टर होगा। बाय दैट लेमा हमें यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकेंड इक्वेशन ये रही, इन दोनों से हमें ये मिलता है कि एक्स इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों ही एक्स से डिविजिबल हैं।
बट लेकिन हमने तो ए एंड बी को कोप्राइम्स लिया था, कोप्राइम्स के तौर पे लिया था ना फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइज़न ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, यानी कि हमने जो माना था कि रूट एक्स एक रेशनल है वो रॉन्ग निकला, तो फिर रूट एक्स क्या हुआ, दस रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे रूट एक्स की जगह रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ऐसे बहुत सारे नंबर्स को प्रूव कर सकते हैं सिर्फ इसी मेथड से, आपको सिर्फ एक्स की जगह वो नंबर लिखना पड़ेगा, बाकी ये पूरा मेथड सेम रहेगा। आगे समझते हैं एक और एग्जांपल से। कभी कभी आता है इस तरीके से कि 5 प्लस रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करिए, तो यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे गिवन में हमें दिया हुआ है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, पहले से ही दिया हुआ है, तो हम आर्बिट्रेरी का हम लोग आर्बिट्रेरी मेथड का यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि 5 प्लस रूट टू भी एक रेशनल नंबर है, देन हम इसको भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन फाइंड टू को प्राइम्स ए एंड बी सच दैट 5 प्लस रूट टू इज्कवल टू ए अपॉन बी, देन रूट टू इज्कवल टू ए अपॉन बी माइनस 5, 5 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन रूट टू इज्कवल टू ए माइनस 5 बी अपॉन बी। हियर यहाँ पर ए और बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है ना, तो जो हमें ये नंबर मिला है ए माइनस 5 बी अपॉन बी इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर दैट इज रेशनल इज इक्वल टू रूट टू, यानी कि रूट टू तो रेशनल आ रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन के हिसाब से रूट टू रेशनल आ रहा है, बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें गिवन में दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 5 प्लस रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग निकल गई, है ना, ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग निकल गई। तो अगर 5 प्लस रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो और क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा, दस 5 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।